हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल जी। अज मम्मी दी वीडियो दी शुरुआत मैं करन लगा हां। अज मैं दिखाउणा तुहानू व्लॉग। मम्मी बना रहे हैं रोटी। मम्मी बना रहे हैं रोटी। मम्मी सब्जी खादी अज? दाल बनाई मसरां दी। दाल बनाई है मसरां दी। हुण के नज़ारे नाल आ देखो, मखणी घर की गड्डी हुई फ्रेश। मम्मी अंदर नहीं बनाते रसोई च रोटी? खड़े खड़े थक लेता है, मेरे पैर च पीड़ हो गई ना, फट गई मेरे पैर पे। अच्छा, इतनी सही है, खुले बढ़िया लग रहा है। ओके, आ दिवाली दी लड़ियां हाली भी लाइया नहीं है। देखो कदों लाउंदा भरा छोटा। इधर डॉगी सुत्ता पिया है। जैकी, ओ जैकी, किदां? चलो दोस्तों, बाकी तुहानू अगे दिखाई जावांगे की कर रहे हैं अज पूरा दिन विच। आ मेरा भरा लैके आया दुध ते नाल लस्सी। आपां ते डंगर पाली देनी है। मैं समोसा नहीं रखी हां क्योंकि मैं भी बाहर काम ते हुंना, डैडी भी ते निक्का भरा रहिंदा ये पढ़ाई पढ़ूई लगे रहिंदा, ते मम्मी घर दे कम्मां च। आ मम्मी ने बनाई है बेसन की बर्फी, बड़ी स्वाद, खोया पा के नज़ारेदार। मम्मी बड़ी स्वाद बनाई है। आ मेरे भरा ने गलगलां लियांदियां गुआंढियां कोलों, इहदा अचार बनावांगे अज्ज। सियालां च जट्टां दे अपने पंजाबियां च नींबू दा ते गाजर दा ते अदरक दा ते मिर्च दा अचार ज़्यादा फेमस आ, ज़्यादा यही अचार खांदे आ। बाकी विच पाउण नूं कोई भी पा दो, गोभी दा बना ले, कोई अपने मटरां दा बना ले, कोई किसे दा बना ले। बाकी मेन ते आई है नींबू, अदरक ते मिर्च ते गाजर। हाँ मेरा भरा आया, थोड़ा गुस्से च रहिंदा, मैं प्यार नाल इहनूं कुत्ता कहिंदा हुंना कदी कदी। इंडिया दे 2.5-3 लाख दी गड्डी लई आ, काम करन दिया रोज दे छापदा $400-500 इंडिया दे, हो गए 20-22 हज़ार। लो जी, तनु दे विच गाजरां छड्ड के भज गया। कहिंदा बहुत बरीक गाजरां, मेरे को नहीं चीरियां जांदियां। फिर मैं मना मनू के लियांदी, मैं चल मैं छिल देनी, धो देनी, तो तू कद्दूकश कर दे। दोवें जने बैठे हुण मनू तनु तूत दे पेड़ थले, लैपटॉप 'च कुछ वेखण डए आ, वीडियो वाडियो। तो लो जी हुण तनु इदां लगा गाजरां, तो मैं छिल के धो दित्तियां सी, पानी 'च रखतियां, तो मैं लै तू कद्दूकश कर दे। कई दिनों के वेखण ने गाजरां मिलन नहीं दईयां सी, मंडी 'च कोई गया ही नहीं दी। वड्डी बाजार लगती ना, वड्डे शहर तो उत्थों मिलदियां, छोटे छोटे पिंडां जिहड़ी बाजार लगती उत्थे गाजरां बड़ी लेट आउंदियां, दिसंबर 'च जा के जां फिर कितने नवंबर के लास्ट 'च जा के। मैनूं आया मैं क्या गजरेला बनाउणा, तो गाजरां मिली ने, फिर इदां दी बरीक मिलियां, तो फिर इदां दी लै आंदियां। ताइयां कहिंदा मैं नहीं छिलणियां, मेरे हाथ वड्डे जाणे बरीक गाजरां। गाजरां गुजरां छिल के तो हुण लग्गा होया है। लो जी तैनूं लगा पॉपकॉर्न बनाउण, शाम दे 4 बजे का टाइम है। तो कहिंदा है मैं पॉपकॉर्न बनाने, 2 पैकेट पे थे, मैं चल बना ला। गैस घट ही रखी मेरे, हाँ पा दे। फिर ना उत्ते प्लेट दे दी, अपने फुल जाने घ्यो दे विच पिया ही हुंदा इहनां दी। ढक दे पूरे पूरे डब्बे में खिलार देना तेन चंगी तरीके, ज्यादा तेज ना तेन भट्ठी वाला चूल्हा है, कि छड़ देना। हाँ चल ढक दे, बिलकुल घट रख दे। पैर कोट चुके सुट के, तो
मैं जिदन का लिया चला के नहीं रखा कि चलता है की है मेरे को इन्ना टाइम ही नहीं। मैं उधर मनु को करवा ले ग्रेट है तो तू कर देना। काजू लाए थोड़े जे चल दोवें रगड़ते हुए इन्ने क पा लाँगे आप गजरेले में। ऐसा काम तो ना तू वधिया कर लेना कपड़े नू प्रेस करनी हो बिस्तरे चुकने हो या कोई चीज़ कद्दूकश करवानी हो गाजरां तुहानू सारे साढ़े पुत काम कर देंदा बीबा। गाजरां भी वेखो इन्हें छिल छुल के वधिया करके कद्दूकश करती हैं। तुहानू थले बहुत डिगण डे बेटे थले डिगण डे कोई प्लेट रख लैनी थले। ना बहुत है बेटे काजू तो ज्यादा ही बरीक करते हैं। चल बथेरे बस कर जाओ चल हम पॉपकॉर्न खा लो। गरम गरम प्लेट पा दा पहले कुत्ते नू पौंदा आया ते फिर कित आप खांदा आया कुत्ता ना कितने रह जाए पिछे कुत्ता अपने वाले खाने पे आपका खाओ बाद क्यों खाना हो सारे में आप कुत्ते को खोना ही है आप कुत्ता। स्पायर हो जाए सवाल लग रही है मासूम पहले भी चना खाई ना बचपन वाला प्यार भरावां दा प्यार वड्डे होके पता नहीं क्यों नहीं रहिंदा। काश इदां ही रवे सब दा प्यार बचपन वाला वड्डे होके पता नहीं की हो जांदे। की कहिंदा कहिंदे जिहड़े पैग लाउंदे नाल उहनां नाल इवें रहिंदा आहो एवें रहिंदा वड्डे होके लड़ाइयां पढ़ाइयां अड्डो पाट हो जांदे बोलदे वी नहींगे। बचपन वाला प्यार नहीं लभदा मुड़ के कदी वी। डांग फेरिया करांगे नू लो जी इधर तन्नू लगा होया तारा थोड़ा जोड़न क्योंकि इधर तारा सड़ गई हैं साढ़े ते लाइट दिन नू बस एवें एक दो घंटे आउंदी सी तार तूर गंढ के वेखते हैं जे तो सैट आ गया तो फिर दूजे बन्ने ट्रांसफार्म तो तार पैजूगी। तुहानू एक गल पता मैं दस्या नहीं शायद साडा ट्रांसफार्म चोरी हो गया तुहानू मैं दिखाउणी है हुणे जिद्दां ना मोटर वाली लाइट जिहड़ी आ उह ते हो गई दिन दी चार पाँच घंटे देंदे आ ते जिहड़ी दिन रात आउंदी आ उहदी लाइन अलग हो गई आ ते जदों लाइन साडी पई ना ते उदों ही गौर ही नहीं किया। वैसे तो उन्होंने चाहिए है कि सारी सरकार ने जगह जगह पिंडा में लाइट कलाई तो ट्रांसफार्म लाए छोटे छोटे पर्सनल तो साढ़े घर के पिछों भी आवे ले तार जान रही है तो ट्रांसफार्म नहीं लाया। अं बथेरा भज नस की बड़े नेतियां को गए कोई कहता 60,000 लेना कोई कहता 50,000 लेना एसटीमेट बनाओ फिर लगेगा कर करा के अं 15,000-20,000 भर के तो अपना पर्सनल ट्रांसफार्म लवाया। तो अं चलो सारी जिंदगी वास्ते काम मुक गया एक बार जोड़े पैसे खर्च होने हो जाएंगे। तो एक एक दिन होए सी 20 दिन असी लाइट जगाई दिन रात 21वें दिन की होया रात को चोर आए ट्रांसफार्म खोल के लै गए। तुम सुनिया कर दी ट्रांसफार्म खोलना मैं चंगा भला पता आया मैं रात को मैं आवाज़ भी आई ट्रांसफार्म खोलन की तो ट्रांसफार्म खोलन दे सोचा उदा ही खड़ाक होया आ वेखो आ जरा उत्ते ट्रांसफार्म लगा ना ये जी अंदर होंगी आ केबल वगैरह जी होंगी अलमोनीयम की नहीं कॉपर का ही है वो कढ के लै गया तो खाली डब्बा जहा रह गया बस तारा उत्तों वढ़िया। फिर रात को पता नहीं किदा आए मर जाने 11,000 की लैन आ इन्हों करंट भी नहीं लगा कोई चिंबड़ के मर जाता तो सही साडे पैसे भी खराब होए साडा ट्रांसफार्म भी गया। हुण पूरे पूरे 3 महीने हो चले आए थक चले कभी किसी फोन कर कभी जई नूं फोन कर पुलिस भी आई रिपोर्ट भी लिखवाई अज लावांगे कल लावांगे कर छड्डदे आ। तो ये भी चीज़ा कित आप मुल लैके लाइनिया पैदा चलो मोटर का कनैक्शन जो ज़्यादा जमीन वाली वो करवाएं तो चलो उदो पैसे पूसे भरने पैदे जी हूँ सबनों सरकार सहूलत मिली है तो अं अपना ये परसनल लवाया पैसे जमा करके।
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਬਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 2-4 ਘੰਟੇ ਲੈਟ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟ ਦੂਜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਉੱਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਲੈਟ ਜਾਗ ਗਈ ਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਰ ਤੂਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਚੁੱਕ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗਾਜਰਾਂ ਦੇ ਗਜਰੇਲੇ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਲੌਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਗਾਜਰਾਂ ਚੀਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾਏ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।